महोबा में सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय सचिव हसनैन पकाई पहुंचे, जहां उनके कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत करते हुए बैठक की है। दरअसल आपको बता दें कि सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय सचिव हसनैन पकाई आज महोबा पहुंचे हैं। संगठन के विस्तार को लेकर विस्तृत चर्चा की गई, साथ ही आगामी जलसों और सामाजिक मुद्दों को लेकर एक समीक्षा बैठक भी की गई है। बुंदेलखंड प्रांत की इकाई के समस्त पदाधिकारियों से पूर्व में किए गए कार्यों का ब्यौरा तलब कर संगठन को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। साथ ही फतेह बुंदेलखंड पीर मुबारक अली शाह रूहानी की दरगाह पर चादर पोशी कर मुल्क के लिए अमन चैन की दुआ मांगी गई, जिस पर सजादा नसीन साहिब मियां ने आपका हर तरह से साथ देने का वादा किया और कहा कि हम सूफी मुल्क को जोड़ने का काम करते हैं और करते रहेंगे। बुंदेलखंड प्रांत के अध्यक्ष मेराजुल्लाह वकाई ने बताया कि बुंदेलखंड इकाई में जल्द नए पदाधिकारियों को जोड़ा जाएगा। तो वहीं संगठन के महासचिव अनीश चौहान ने बताया कि सूफी इस्लामिक बोर्ड न केवल मुसलमानों का राष्ट्रवादी संगठन है, बल्कि मानवता की आवाज उठाने वाला यह संगठन है, जिसके लिए देश सर्वप्रथम है। इस मौके पर इम्तियाज हाजी, रफीक सानू भाई बहार, सद्दाम कुरैसी, जीशान, सलमान खान, राजा इरशाद बेग, गुड्डू नंबरदार, मुबीन काजी आदि लोग मौजूद रहे। देखिए, आज महोबा आया हूँ दो कामों के लिए। सबसे पहली चीज, जो देश में देश तोड़ों का जो काम चल रहा है कुछ ऐसे संगठनों की तरफ से जो कि देश की खाते हैं और देश के खिलाफ बोलते हैं, सर्वप्रथम उनके लिए आया हुआ हूँ। और दूसरी चीज़ इसलिए आया हुआ हूँ कि अभी आने वाले जून और जुलाई में हमारी एक देशव्यापी एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है लखनऊ के लिए। यहाँ पे साहिब सज्जादा जनाब साहिब अली शाह के आवास पर आना इसलिए हुआ कि उनको दावतनामा दे सकूं और राष्ट्रीय शिया सूफ़ी संघ और सूफ़ी इस्लामिक बोर्ड के अंतर्गत ये जो देशव्यापी एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसको सूफ़ी महासम्मेलन का नाम रखा गया है। और इस सूफ़ी महासम्मेलन में हम लोग पूरे देश की खानकाहों के सज्जादा नशीन हजरात हैं, वो इकट्ठा होंगे और इकट्ठा होने के बाद अपने हुकूक सरकार से तलब करेंगे। जिस तरह से वक्फ बोर्ड से लेकर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय में जिस तरह से भ्रष्टाचार और सूफ़ी समुदाय की अनदेखी हो रही है, उस समुदाय को जो 60% से ज़्यादा मुसलमानों में है और जिसके मानने वाले बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत, आप हिंदू समुदाय को देखिए या सिख समुदाय को देखिए या जैन समुदाय को देखिए या किसी भी समुदाय के धर्म से ताल्लुक़ रखने वालों को देखिए, उनका कहीं ना कहीं संबंध सूफ़ी समुदाय की खानकाहों से, दरगाहों से ज़रूर होगा। जब इनके इतने मानने वाले हैं देश पर, तो इनके हुकूक की पाबंदी के हुकूक पर किस तरह से पाबंदी लगाई जा रही है, यहाँ पर किस तरह से लोगों को सरकार में भागीदारी नहीं दी जा रही है, तो इस खासकर इस सम्मेलन का हम लोगों का ये उद्देश्य है। और आने वाले वक्त में ये देशव्यापी सम्मेलन लखनऊ में होने जा रहा है, जिसके लिए मैं यहाँ महोबा आया हुआ हूँ। और हमारे संगठन के विस्तार के लिए हमारे राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय शिया सूफी संघ के और सूफी इस्लामिक बोर्ड के बुंदेलखंड प्रांत के महासचिव अनीस जॉन जी के बुलावे पर कि यहाँ पर संगठन का विस्तार और ब्लॉक लेवल से लेकर, तहसील लेवल से लेकर ज़िले स्तर से किस तरह से हम मुसलमानों की, खासकर इंसानों की किस तरह से मदद कर सकते हैं, सरकार में अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। मेरे साथ आज सिर्फ इतना ही। अगले समाचार में फिर होगी मुलाकात और आपको दिखाएंगे महोबा और बुंदेलखंड की हर खबर। तो बने रहिए इरफान पठान के साथ। हमारे चैनल सिटी न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।